कहानी नहीं है। राजकोट गुजरात सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के एक निदेशक डॉक्टर बाबूभाई ढोलरिया कुछ साल पहले एक निरक्षर बंधुआ मजदूर थे। भोर 3 बजे से 16 घंटे हड्डी पिघलाने वाली मेहनत और तनख्वाह साल भर के 75 रुपए। रातों को भी खेतों की रखवाली, पर बाबू अलाव की रोशनी में अक्षरों में अर्थ खोजता और कभी रात्रि के साक्षरता वर्ग में भाग जाता। वहां पढ़ने लिखने और जोड़ बाकी के अलावा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से खेती से संबंधित शिक्षा भी पाई। पर एक दिन वो पकड़ा गया। मालिक ने अपने निकम्मे बेटे को पढ़ाने की सजा दी और बंधुआ मजदूरी के काल ही में वो 7वीं कक्षा पार कर गया। कुछ साल के बाद बाबू भाई शिक्षक बने और फिर बीए, एमए और पीएचडी। पढ़ना लिखना सीख लिया तो जिंदगी को जीत लिया। ये कहानी नहीं है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। गुजरात के खांभा गांव का निरक्षर बंधुआ मजदूर बाबू, सुबह दोपहर शाम रात काम ही काम। कभी वो भाग जाता साक्षरता वर्ग में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने पढ़ना लिखना सिखाया, उत्साह बढ़ाया। बाबू ने घर बैठे 7वीं कक्षा पार की, फिर शिक्षक बना और फिर बीए, एमए, पीएचडी और कुछ साल में डॉक्टर बाबू भाई ढोलरिया सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के एक निदेशक बने। ये कहानी नहीं है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन।